नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये डालते एक नजर ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख और खास खबरों पर ललितपुर लाइव टीवी के इस फटाफट बुलेटिन में। तब तक आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। आइए अब शुरुआत करते हैं ललितपुर जिले की सबसे बड़ी खबर से। ललितपुर में 12 वर्षीय मासूम भांजी के साथ रेप के बाद उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या का शव को खेतों में फेंक कर उसका चचेरा मामा हुआ मौके से फरार। पुलिस कर रही है आरोपी की सरगर्मी से तलाश। ललितपुर जिले के थाना जखौरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम करारी का मामला। ललितपुर जिले में एक सप्ताह के भीतर दूसरे रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई, जहां एक कलयुगी चचेरे मामा ने अपनी 12 वर्षीय मासूम भांजी के साथ रेप कर उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर शव को घर के पीछे स्थित 500 मीटर की दूरी पर स्थित खेत में फेंककर आरोपी बेतवा नदी पार करके मध्य प्रदेश की सीमा में चला गया। जैसा कि गांव वालों और परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि जब मृतक मासूम बच्ची के माता पिता इलाज कराने के लिए जखौरा गए हुए थे, उसी अकेलेपन का मौके का फायदा उठाते हुए गांव का ही रहने वाला कल्याण पुत्र जबरा, जो कि सहरिया जाति का बताया गया है और रिश्ते में मासूम मृतका का चचेरा मामा लगता था, जिसने इस दरिंदगी भरी घटना को अंजाम दे डाला और जिले में एक बार फिर पुलिस की नींद उड़ाकर रख दी है। इस घटना की जानकारी मिलते ही जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया तथा पुलिस की कई टीमें गठित कर आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने के निर्देश दिए गए हैं। ललितपुर लाइव टीवी के लिए जखौरा से उमा शंकर सोनी की रिपोर्ट। क्या घटना हुई? लड़की गायब थी हमारी साहब, 7 बजे गायब थी, हम हते नहीं थे, छोटी सी बच्ची छोड़ गई थी हमें। गायब कब भई थी आपकी लड़की? परों गायब थी 7 बजे, और हम हते नहीं, हम चले गए दवाई को। हम मन से लौट के आए, हम 9 बजे हम हो गए टाइम दवाई का, हम 9 बजे उतर लौट के आए तो हमें तो छोटी मोटी रोग मिली। कल पापा थे अपनी दीदी गायब हो गई, तो साहब हम ढूंढ भी न कर गए, हम ढूंढ भी न कर, हमें लाश नहीं मिली, पानी गिरने लगी, सब रात ढूंढी हमें लाश नहीं मिली। अब लाश कल 9 बजे मिली, 9:30 बजे लाश। अच्छा, हाँ सर, इसकी सूचना, का ढट्टी बंदी थी बाबा, तो इतला करी। जखौरा जिला ललितपुर की घटना है, जिसमें चंदन सहरिया नामक व्यक्ति ने आज दोपहर में 1:30 बजे एक तहरीर दिया कि उसकी पुत्री कल शाम 7:30 बजे जब वो दवा लेने वो उसकी पत्नी गए थे, उसके बाद से लापता है और रात भर हम लोग तलाश किए, नहीं मिली, और सुबह 10:30 बजे उसे पता चला। उसके घर के पीछे ही करीब 100 मीटर की दूरी पे वो मरी हुई पड़ी थी और उसकी बॉडी को जो है पंचायतनामा भर के पीएम के लिए भेज दिया गया है और उसने लिख के दिया है कि पुलिस आवश्यक कार्रवाई करे, हम हर पहलुओं की पड़ताल कर रहे हैं, जैसे पीएम रिपोर्ट में आएगा उस अनुरूप अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी, सभी पहलुओं पर गहनतापूर्वक छानबीन की जा रही है। ललितपुर शहर के मध्य स्थित गोविंद सागर बांध में सोमवार की सुबह एक युवती का शव उतराता हुआ मिलने से हड़कंप मच गया। इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है। जैसा कि परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि छात्रा बीते 2 दिनों से घर से लापता थी, तो वहीं इस मामले में युवती के पिता ने एक तहरीर पुलिस को देते हुए एक युवक पर पुत्री को फोन करके प्रताड़ित करने एवं रिश्ता तोड़वाने का आरोप लगाया। इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक निखिल पाठक ने गोविंद सागर बांध पहुंचकर मौका मुआयना किया, तो वहीं दूसरी ओर मृतक छात्रा के पिता की शिकायत पर युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए महेंद्र सिंह बुंदेला के साथ पंकज रैकवार की रिपोर्ट। ललितपुर शहर का चर्चित हाई प्रोफाइल मामला नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में 3 और आरोपी गिरफ्तार, जिसमें सपा नगर अध्यक्ष राजेश जोजिया, राजू यादव सहित छात्रा का ताऊ हुआ गिरफ्तार। इस पूरे प्रकरण में अब तक कुल 14 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस पूरे हाई प्रोफाइल मामले में 25 नाम दर्ज एवं 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ हुआ था थाना शहर कोतवाली में मामला दर्ज, जिसको लेकर पुलिस की कई टीमें कर रही थी आरोपियों की तलाश। ललितपुर लाइव टीवी के लिए महेंद्र सिंह बुंदेला की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के थानापुरा कला क्षेत्र अंतर्गत उगरपुर कबूतरा डेरा पर आबकारी विभाग की टीम और नथीखेड़ा पुलिस चौकी इंचार्ज पंकज माथुर ने अवैध शराब के गढ़ पर की छापेमारी, जहां छापेमारी के दौरान 40 लीटर अवैध कच्ची शराब और 789 लीटर लहर मौके पर ही नष्ट किया गया। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पूरा कला से दीपू गुप्ता की रिपोर्ट। ललितपुर में अन्नपूर्णा सेवा संघ की लगातार 5 साल से सेवाएं अनवरत जारी हैं। उसी क्रम में चले लंबे कोरोना काल में भी संस्था की सेवाएं लगातार जारी रही, तो वहीं दान दाताओं की भी कमी नहीं रही।
उसी को लेकर संस्था के अध्यक्ष अमित जैन प्रिय का आखिर क्या है कहना, देखिए इस रिपोर्ट में। ललितपुर लाइव टीवी के लिए महेंद्र सिंह बुंदेला के साथ पंकज रैकवार की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अमित प्रिय जैन, अन्नपूर्णा सेवा संघ का एक सेवक, जिला अस्पताल परिसर ललितपुर से 5.5 वर्ष पूर्व वो अन्नपूर्णा भोजनशाला के माध्यम से दोनों समय सुबह शाम मरीजों को, उनके परिजनों को एवं ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने से शुरू हुई यह संस्था आज शहर में निस्वार्थ कई ऐसे काम कर रही है जिससे लोगों का जीवन भी बच रहा है और साथ में पेट भी भर रहा है। कोरोना काल में विगत 2 वर्ष पूर्व जब आया तो सर्वप्रथम प्रवासियों को खाना खिलाया, यहाँ शहर में राशन की, पूरे शहर में जो गरीब परिवार थे जिनका राशन नहीं था या जिन तक सरकार नहीं पहुंच पा रही थी, उन तक अन्नपूर्णा सेवा संघ ने दोनों समय खाना खिलाया, साथ में उनके घर पे राशन पहुंचाया। बाद में जब पिछले वर्ष, इस वर्ष अप्रैल में ज़रूरत पड़ी ऑक्सीजन की, जब लोग लगातार मर रहे थे, तो भगवान की कृपा से और शहर के दानदाता लोगों के सहयोग से अन्नपूर्णा ऑक्सीजन बैंक का शुभारंभ 18 मई को किया। हमारी संस्था के ही कई ऐसे साथी थे जो कोरोना में हम उनको नहीं बचा सके ऑक्सीजन की कमी के कारण, तो उसके लिए अन्नपूर्णा ऑक्सीजन बैंक का शुरुआत करके उनको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए गए, उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गई, जिससे आज शहर में कई ऐसी जानें बची जो ऑक्सीजन की कमी से मर सकते थे। इवन सरकार को भी, प्रशासन को भी 40 ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराए गए और आज लगातार इस समय भी भले ही अब कोरोना का संक्रमण कम हो गया हो, लेकिन अभी भी लगभग प्रतिदिन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जा रहे हैं। कई ऐसे मरीज़ हैं जिनको हाई निमोनिया होने के कारण या ऑक्सीजन की गंभीर परिस्थिति में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगातार चल रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर लगातार दिया जा रहा है। साथ में अन्नपूर्णा ने 6 जून को जब कोरोना आया था, अपनी चरम पर था, तो लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, तो उस समय हम लोगों ने सोचा कि 10-10 हज़ार में लोग झांसी जा रहे हैं, तो क्यों ना एक एम्बुलेंस ली जाए। तो दानदाता के सहयोग से, गुप्त दानदाता के सहयोग से एक एम्बुलेंस शुरू की, जिसको मैं डीजल के आज की तारीख में लगातार झांसी, सागर, भोपाल, इंदौर, भारत में कहीं भी जहां उसको। ललितपुर में ग्रामीण क्षेत्र के किसानों ने सिंचाई के लिए विद्युत कनेक्शन का पैसा जमा होने के बाद भी समय से न मिलने पर नाराज किसानों ने ग्रामीण विद्युत कार्यालय पर किया जोरदार प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन जारी है। किसानों ने बताया कि विद्युत विभाग का एस्टीमेट का पूरा पैसा जमा करने के बाद भी आज तक उन्हें कनेक्शन नहीं दिया गया, जिससे वह खेती में सिंचाई के लिए लगातार परेशान हो रहे हैं। जिससे आक्रोशित होकर आज ग्रामीण अंचलों से आए ग्रामीणों ने ग्रामीण क्षेत्र के बिजली दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध प्रकट किया। ललितपुर लाइव टीवी के लिए महेंद्र सिंह बुंदेला के साथ पंकज रैकवार की रिपोर्ट। किसानों को टीएम होगा पानी को, अब पैसा 2-2 लाख रुपया तीन तीन खम्भन के करे और 4-4 महीना हो गए रोज ना चक्का काट रहे, 200 बच्चा दिन दे बोल लग रहा किराया, और कुछ फसल में करा नहीं है और अधिकारी कोई सुन नहीं रहा है, हार बन चुकी है कबों की और कछु नहीं कर रहे। तो ये थी आज की जिले की प्रमुख बड़ी खबरें। हम आपको ले चलते हैं ललितपुर कलेक्ट्रेट परिसर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर, जहां दूर दराज से आए फरियादियों की क्या है समस्याएं और उनका क्या कहना है, देखिए इस रिपोर्ट में। तब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। हमारा नाम संजय चंदील है, हम नगर पालिका में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं। विगत 8-10 वर्षों से अपनी सेवाएं नगर पालिका में हम सब दे रहे हैं और अभी फिलहाल में जो हमारे नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी महोदय हैं, उनके द्वारा एक लेटर जारी करते हुए हम लोगों को भगा दिया गया है नगर पालिका से। लेटर में उन्होंने ये उल्लेख किया है कि राज्य वित्त आयोग की जो ग्रांट है वो थोड़ी कम आ रही है, इसलिए हमें तुम लोगों को भगाना पड़ रहा है, तुम्हें पेमेंट नहीं देंगे हम। उसके बाद जो हमारे साथ सफाई कर्मचारी जो आउटसोर्सिंग के थे, 200-250 कर्मचारी थे और साथ में हम लोग भी थे, उनको साथ में दोनों को भगाया गया था
और अधिशासी अधिकारी महोदय द्वारा जो सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए तो वापस लिया गया है, लेकिन जो हम ऑफिस वाले कर्मचारी हैं, बिलदार हैं और जो लाइनमैन हैं, सीढ़ी चालक हैं, तालाब पे हैं और भी बहुत से कर्मचारी हैं, 88 कर्मचारी हम लोग, इनके लिए कम्बू टॉपिटर भी हैं, इनके लिए यूसा ने भगा दिया गया है। और जब अगर जो सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए कहाँ से आ गई फतमाई राजपूत की वो ग्रांट उनसे, और डेढ़ महीने से जो अधिकारियों द्वारा हम लोगों को कलासा की आ रही है कि तुम लोग काम करो, तुम लोग हम काम पे रख लेंगे, फिर भी उन्हें डेढ़ महीना पूरा व्यतीत हो गया है, फिर उन्हें हमें काम पे नहीं रखा है। और हम हाँ और जो सबके को भगाने की सूचना तो पहले उन्होंने भगा ही दिया है, हम लोग आज आप कहाँ आए और क्या मांगे? आज हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पे आए हैं, तो हम लोगों ने अपने जो पिछले माह की सितंबर की वेतन है उसके लिए और साथ में हम लोगों की बहाली की जाए। हम लोग बड़ी ईमानदारी से नगर पालिका में विगत कई वर्षों से काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं जो केवल नगर पालिका में ही एडवर हैं और अपने 14-15 साल से 10-10 साल से बहुत से कर्मचारी हैं यहाँ पर सेवाएँ दे रहे हैं, फिर भी जो नए यू साहब आए हैं अधिकारी महोदय द्वारा तानाशाही रवैया अपना के हम लोगों को भगा दे रहे हैं। और ज़्यादा संज्ञान में जो भी आ रहा है वो ये बोल रहे हैं अगर तुम लोगों ने ज़्यादा कुछ किया तुम लोगों के खिलाफ हम कोतवाल में FIR करा देंगे, ऐसा उन लोग उनके द्वारा बोला जा रहा है। DM साहब से क्या मांगे? DM साहब से हमारी ये मांग है कि जो हमारी पिछले माह की तनख्वाह है तनख्वाह हमारी वो दें और हम सारे कर्मचारियों को यहाँ पे रखा जाए। नीरज यादव नाम है, उदय पिताजी का नाम मेघराज यादव, उदयपुरा से आए हैं, जो बजाज पावर प्लांट द्वारा हमारे क्षेत्र में हमारे गांव के हमारे खेत में जो राख डाली गई है आधी रात के वो काफ़ी नुकसानदायक है और हमारे खेत आज से 5 साल पहले खोद लिया गया था भूमि अधिग्रहण से ज़्यादा में, तो इसके संबंध में हम DM साहब को ज्ञापन देने आए हैं जिससे हम लोगों को न्याय मिल सके और जो वो राख वहाँ डाली गई है उससे जानवरों को और पर्यावरण पर काफ़ी प्रभाव दूषित प्रभाव पड़ रहा है, जिससे हम लोगों की ये मांग है कि जल्द से जल्द उचित कार्रवाई हो और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम परिवार सहित अनशन पर बैठेंगे। क्या नाम है अम्मा आपका? पथिया। कहाँ से आई हैं आप? दावनी से। अच्छा, क्या समस्या लेकर आई हैं आप? बहु महाराज है, रोटी नहीं दे, छह दिन तो यह बताई तो दिया। क्या नाम है आपका? जलाल। कहाँ से आए हैं? यादव। क्या समस्या लेकर आए हैं? ये हदबंदी डाली, अभी तक तो कोई नापतौली नहीं हो रही, समस्या है कि नापतौली नहीं हो रही, झगड़ा होता है, मारपीट की धमकी देते हैं। DM साहब के पास आए हैं और उनके लिए जाए समस्या लेके आए, हमारा कोई अभी तक सुनाई नहीं भाई, तुरंत की दरखास्त देने आए हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? पूरन नायक नाम है, बालागत पटारी से आए हैं, हमारे खेत में लालू बंजारा जबरन कब्जा करने और जान से मारने के लिए खेत में आए हैं और लालू राकेश घासीराम गंगा कोमल कमल लक्ष्मी कलिया ये सभी लोग ट्रैक्टर लेके आए और हमारे पापा ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया, DM थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए हम DM साहब के पास आए हैं और लोगों ने 2 लोगों को ट्रैक्टर चढ़ाया है, एक का इलाज ललितपुर में, एक का इलाज झांसी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है और मरणासन्न की स्थिति में है। हम लोग अपनी माता जी और भाई के साथ आए हैं जिनके 4 लोगों के सिर में गंभीर चोटें आई है और DM साहब के पास शिकायत के लिए आए हैं हम लोग DM साहब के पास अपनी शिकायत के लिए आए हैं ताकि इन लोगों को हौसले बुलंद है और डेली शाम को जाकर वो कहते हैं कि हम लोगों को कोई कुछ नहीं कर पाएगा, दबंग लोग हैं, उनके ऊपर कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, इसलिए DM साहब से आग्रह है कि उनके ऊपर सख्त सख्त मुकदमा लगा कर कार्रवाई करने की कृपा। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम माधवी चौहान है। कहाँ से हैं? हम तालवे जिला ललितपुर से हैं। क्या है समस्या? समस्या हमारे ये है कि मैं सिंचाई जरूर हुआ, मेरे पति ने मेरे साथ मारपीट की थी 31/8/2021 को, जिसकी सुनवाई अभी तक कोई कार्रवाई सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई है,
इस चक्कर में हमें दर बदर भटकना पड़ रहा है, कभी एसपी के पास, कभी डीएम के पास, कोतवाली पुलिस जो है तालवेट की पूरी मिली हुई है विपक्षी से, और वहाँ की महिला थाना मैडम है जो जिनका नाम है मिथिलेश कुमारी, उन्होंने मेरी मेडिकल रिपोर्ट पूरी गलत तरीके से बनवाई विपक्षी से मिलकर, और इसके बारे में भी कोई मतलब सुनवाई नहीं हो रही है। सब कागज पत्र सबमिट होने के बाद भी मेरा मेडिकल चेकअप भी इस तरीके से कराया गया कि मामूली स्टोटो में दर्शाया है, जबकि श्रीमान जी उस रात मेरे साथ, मेरे ससुराल वालों ने और मेरे पति ने मेरे साथ मारपीट की थी, रात को 1 बजे से सुबह 5 बजे तक मेरे साथ मारपीट की थी, जिसमें मेरा पैर पूरी तरीके से टूट गया था और मैं ज़मीन पर गिर पड़ी थी। इसके बाद में मेरे दोनों जेठों ने मेरे साथ दोबारा मारपीट की, उसी रात में मारते रहे डेरे में से, उसमें मेरे साथ एक मारपीट के द्वारा आवेदन भी लिखवाया गया कि जिसमें मतलब उन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम ना आए जो भी है, एक आवेदन भी लिखवाया गया और बहुत देरी में से मारा हैगा। मेरी सास ने मुझे मारने के लिए से मेरे गले में रस्सी का फंदा भी डाला था, जिससे कि मैं बेहोश हो गई थी और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये पूरा घटनाक्रम कहाँ पर दर्शाया गया आपके साथ? ये पूरा घटनाक्रम तालवेट जिला ललित। क्या नाम है भाई आपका? हमारा नाम सोना है। कहाँ से आई हैं? चौबाई से। चौबाई से थाना पूरा कला। क्या समस्या लेकर आई हैं? ठाकरन ने मारे हमें। किस बात को लेकर दारू पी के पड़ भाई साहब हमारे मारे और हमने को मारे है लाठी मिलकर मारे, मोड़ी की पड़कार तकड़ी करी रुकमनी की, रुकमनी को पकड़े तकड़े वो हमने बचाया तो रुकमनी को छोड़े, हमने लाठी मारी जूता मारे हमें। आपने इसकी शिकायत थाने में की थी? थाने में रिपोर्ट करी हमने, थाने वालों ने कुछ सुनी नहीं है। आज कहाँ आई हैं? आज हम एफसी साहब ने आए हैं। जमीन किसके नाम है? जमीन है हम लोगन के नाम है, भाई लोगन इन चार लड़कन के नाम है, भगवान दास, बीरन, नारायण और जसरथ। क्या भूमधरी है आपकी? हाँ भूमधरी है हमारी जगह। उस पे कब्जा हो रहा है? जबरदस्ती कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे। आप क्या चाहती हैं प्रशासन से? हम तो चाहते हैं चाहे उतिए ही हमें चाहे। अभी आप कहाँ आई? तो ये थी आज के दिन भर की ललितपुर जिले की प्रमुख एवं खास खबरें, एवं आगे की खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल ललितपुर लाइव टीवी के साथ। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको ललितपुर जिले की हर छोटी बड़ी खबर समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।